Once again, welcome to all of you, my dear students and my friends. Today we will discuss a topic which is very important and we should know about it. Class 5 maths, rounding off numbers. Numbers के rounding off के बारे में आज हम लोग सीखेंगे. इसमें मैं आपको एक ये जो rounding off है इसको समझा देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर क्लास फिफ्थ का यूनिट 9 का है ये चैप्टर. एक मैम है वो पूछ रहे हैं, राजू हाउ मेनी स्टैम्प्स हैव यू कलेक्टेड, आपने कितने स्टैम्प्स कलेक्ट किए हैं. राजू ने बोला मैम आई हैव कलेक्टेड अबाउट 500 स्टैम्प्स, यानी इसे श्योर नहीं है कि कितने स्टैम्प्स इसने लगभग बता दिया, लगभग 500 स्टैम्प्स. तो मैम ने पूछा नो टेल मी द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टैम्प्स कलेक्टेड. तो वो बोलता है आई हैव एग्जैक्टली 493 स्टैम्प्स, यानी कि उसके पास 493 स्टैम्प्स ही थे, लेकिन इसके बाद भी उसने बोला कि लगभग 500 स्टैम्प्स उसने कलेक्ट किया है. तो इसका मतलब है कि देखिए राजू जो राउंड ऑफ बताया उसने 493 का लगभग 500 स्टैम्प्स बोल दिया. तो इसका फायदा क्या होता है ये समझ लीजिए थोड़ा आप. राउंड ऑफ का मतलब होता है ना बेटे कि किसी चीज को इजियर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना, सिंपलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना, बट कीपिंग इट्स वैल्यू क्लोज टू व्हाट इट वाज, लेकिन उसकी जो वैल्यू है उसके आसपास ही होनी चाहिए जो एग्जैक्टली उसके पास है. अब जैसे इसके पास 493 था तो उसने एक जनरल नंबर 500 बोल दिया, जो कि सुनते ही सबके दिमाग में आ जाएगा वो 500 के आसपास उनके पास स्टैम्प्स है. तो राउंडिंग आपका यही मतलब है कि द रिजल्ट इज लेस एक्यूरेट बट इजियर टू यूज. अब देखिए जो रिजल्ट है इन्होंने बोल दिया 500 स्टैम्प्स, जबकि इनके पास इतना नहीं है, लेस एक्यूरेट है. इनके पास एक्यूरेट में कितना है 493, लेकिन लगभग 500 हम कह सकते हैं क्योंकि इसके आसपास ही है ये. तो इसीलिए चलिए इससे रिलेटेड अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि वास्तव में हमें करना क्या है. देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, अनिल हैज 63 मार्बल्स. अब राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं. तो अनिल हैज 63 मार्बल्स, तो यहाँ बात हो रही नियरेस्ट टू 10. तो अब 60 के पास 63 के ज़्यादा पास 60 है या 70 है, क्योंकि भाई इससे थोड़ा पहले 60 है और थोड़ा बाद 70 है. तो हम इस तरह लाइनिंग पर काउंट करके देख सकते हैं कि 63 किसके ज़्यादा पास है. तो 60 से हमने स्टार्ट किया, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. तो अब देखिए 63 से 60 ज़्यादा पास है, 1, 2 तीसरे नंबर पे है, और 70 कितने नंबर पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो अब 63 70 के ज़्यादा पास है कि 60 के ज़्यादा पास है, तो भाई 60 के ज़्यादा पास है, यानी अगर हमको 63 का राउंड ऑफ बोलना पड़ेगा तो हम 60 बोलेंगे. ठीक है, 63 लाइज बिटवीन 60 एंड 70, ये सब मल्टीपल ऑफ टेंस हैं. 63 इज नियरर टू 60 देन 70, जो 63 है वो 60 के ज़्यादा पास है. देखिए 70 से दूर है, 60 के ज़्यादा पास है. इसी तरह देखिए 43 है, अब इसका राउंड ऑफ अगर हमको करना पड़े तो 43 40 के ज़्यादा पास है कि 50 के ज़्यादा पास है, तो भाई 40 के ज़्यादा पास है, तो इसीलिए देखिए राउंड ऑफ करके 40 कर दिया गया. 88 अब कर दिए, अब एक तरफ 88 के एक साइड 80 होगा और दूसरे साइड 90 है, तो 88 किसके ज़्यादा पास होगा, 90 के. तो इसीलिए देखिए 88 इज नियरर टू 90 देन 80, और 43 इज नियरर टू द 40 देन 50. तो एक तरीका तो ये है जिसको देखकर हम समझ सकते हैं कि कौन से मतलब किस नंबर के ज़्यादा पास होगा. अब जैसे यहाँ पे बताया ना 43, तो हम सोचेंगे 40 के ज़्यादा पास है 43 कि 50 के ज़्यादा पास है, तो 40 के ज़्यादा पास है इसलिए राउंड ऑफ हमने 40 लिख दिया. ठीक है, दूर और पास का सोचकर भी हम बता सकते हैं.
एक दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका अभी हम सिखा रहे हैं। एक कुछ और एग्जांपल देख लीजिए जरा। 26 किसके ज़्यादा पास है, 20 के या 30 के? राउंडिंग आप देखिए टू द नियरेस्ट 10, 10 के, तो इधर 26 के पहले 20 होगा और 26 के बाद 30। तो यहाँ देखिए नंबर लाइन के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की है, 26 30 के ज़्यादा पास है और 20 से थोड़ा दूर है, तो राउंड ऑफ नंबर हम 30 कहेंगे क्योंकि 26 30 के ज़्यादा करीब है, तो लगभग 30 हम कर देंगे तो वो एक्यूरेट आंसर तो नहीं होगा लेकिन इजी हो जाएगा रिप्रेजेंट करने में। इसी तरह 83, अब 83 80 के ज़्यादा पास है कि 70 के ज़्यादा पास है, अरे 90 के, तो 83 80 के ज़्यादा पास है, 83 इज नियरर टू 80 देन 90। 151, अब इसमें हमको टेंस ही देखना है, वंस टेंस, तो 150 एक साइड होगा और एक साइड होगा 160, तो 151 किसके ज़्यादा पास होगा, 150 के। 151 इज नियरर टू 150 देन 160। 45 किसके ज़्यादा पास होगा, तो भाई जब ये तो बराबर दूरी पे होगा, 40 से भी बराबर दूरी पे, 50 से भी बराबर दूरी पे, तो जब भी 5 वाला नंबर रहे तो उसमें आगे के ही नियरर बनाते हैं, 45 इज नियरर टू 50 देन 40। ये तो हुआ दूर पास का सोच कर बताना कि किस राउंडिंग ऑफ नंबर क्या होगा। एक और तरीका है जिसे देखकर आप समझ सकते हैं और बहुत आसानी से आंसर बता भी सकते हैं। इफ द डिजिट इन द वंस प्लेस इज 0, 1, 2, 3 और 4, अगर वंस प्लेस पर कोई ये डिजिट है, चाहे 0 है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है या 4 है, तब तो हम समझ जाएंगे कि इस अगर 0, 1, 2, 3, 4 है तो हम क्या कहेंगे, उसकी जगह उस नंबर को हटाकर उसकी जगह 0 लिख देंगे सिंपली। और यदि वंस प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई नंबर है तो हम उस नंबर की जगह 0 तो करेंगे ही लेकिन 1 नंबर यहाँ ऐड कर देंगे आगे वाले में। मैं समझाता हूँ एग्जांपल के थ्रू, तो देखिए बच्चों, एक तरीका तो हम देख लेंगे कि 30 के ज़्यादा पास है कि 40 के पास, उससे सोच कर कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह बताया गया है कि अगर वंस प्लेस पर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, इनमें से कोई भी नंबर अगर वंस प्लेस पर है तो हम इन नंबर्स को हटा के उसकी जगह क्या कर देंगे, 0, और उसके आगे जो नंबर लिखा है उसको चुपचाप वही नंबर लिखे रहने देंगे। तो अब देखिए 31 30 के ज़्यादा पास है कि 40 के, 30 के ज़्यादा पास, तो ये एक ट्रिक है। देखिए इजीली हम देख लिए, राउंडिंग ऑफ कर लिए 31 का। इसी तरह 68 यहाँ लिखा है, देखिए तो वंस प्लेस पर 8 है, देखिए अगर 5, 6, 7, 8 या 9 हो तब क्या हम करेंगे, इन नंबर्स को हटाकर इनकी जगह हम क्या कर देंगे, 0। देखिए 8 की जगह मैंने 0 कर दिया और 1 डिजिट ऐड कर देंगे आगे वाले में, 6 की जगह 7 कर दिए, 6 + 1 = 7। अगर इसी तरह इस क्वेश्चन को करना रहे तो क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ वंस प्लेस पे 3 है यानी 5 से छोटा नंबर, तो हम इसकी जगह 0 कर देंगे और आगे वाला नंबर उतार देंगे, 40 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए 4, 5 से छोटा है ये वाले नंबर्स, तो इसकी जगह हम 0 कर देंगे और 9 को चुपचाप आगे लिख देंगे 90। ये 90 के देखिए ज़्यादा पास है 100 की तुलना में। उसके बाद अब जैसे यहाँ नियरेस्ट 10 है तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 9 है, अब देखिए 5 से बड़े नंबर आ गए तो इसकी जगह तो हम 0 लिख देंगे, ठीक। तो देखिए अब इसकी जगह हमने 0 लिख दिया, 1 कैरी आगे ऐड करेंगे तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 और जो कैरी आया अगले में ऐड हो जाएगा 2, 200 के ये ज़्यादा पास है, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान ये देना है कि वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट है, अगर 0, 1, 2, 3, 4 है
तो उसकी जगह जीरो कर देंगे और कोई चेंज नहीं रहेगा आगे वाले में। और अगर वंस प्लेस पे 5, 6, 7, 8, 9 है तो हम उस नंबर की जगह तो जीरो लिख देंगे, लेकिन उसके आगे टेंथ प्लेस वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। चलिए देखते हैं, ठीक। जैसे अब नियरेस्ट टू 10 था तो वंस प्लेस पर का नंबर हम देखते थे, अब नियरेस्ट टू 100 और नियरेस्ट टू 1000 नंबर है तो उनका राउंड ऑफ हम कैसे लिखेंगे उसको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले नियरेस्ट 100 याद रखिएगा, जिस जो नंबर दिया रहेगा नियरेस्ट जिसके रखेंगे उससे 1 डिजिट पहले वाला नंबर हमको नोट करना है। जैसे 100 है तो अब 100 से पहले क्या आता है 10s, और 10 से पहले क्या आता है 1s, तो नियरेस्ट टू 10 था तो हम 1s प्लेस देखते थे, अब नियरेस्ट टू 100 है तो हम 10s प्लेस पर का डिजिट देखेंगे। तो देखिए 142, तो नियरेस्ट 100 है तो 10s प्लेस पे क्या है 4, 5 से छोटा है तो ये सारे नंबर दोनों 0-0 हो जाएंगे और पहला नंबर उसी तरह उतर जाएगा नीचे। सेकेंड एग्जांपल में देखिए ये 8 है, 5 से बड़ा नंबर, तो 5 से बड़ा है तो इन दोनों की जगह तो 0 कर दिए और आगे वाले डिजिट में 1 नंबर ऐड हो जाएगा 500। देखिए 486 500 के ज़्यादा पास है कि 400 के ज़्यादा पास, 500 के, तो उस तरह भी 500 आया। यहाँ भी वही समझाया, इफ द डिजिट इन द 10th प्लेस इज 0, 1, 2, 3, 4, अगर 10th प्लेस पर 0, 1, 2, 3, 4 में से कोई नंबर है तो हम उसकी जगह 0 कर देंगे, मतलब 10th वाले को भी 1s वाले को भी, देखिए दोनों 0 कर दिए, 10th वाले को भी 0 कर दिए, 1s वाले को भी 0 कर दिए, और पहला नंबर उसी तरह उतार देंगे, कुछ ऐड नहीं करेंगे। जबकि अगर 10th प्लेस पर 5, 6, 7, 8 या 9 में से कोई डिजिट है, जैसे ये डिजिट देखिए, तो ये 10th और 1s वाले को 0-0 तो कर देंगे, लेकिन 100 वाले में 1 ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ भी 1 ऐड कर दिए, यहाँ भी 1 ऐड किए, क्यों? क्योंकि 10th प्लेस पर 5 से बड़े डिजिट हैं, इधर वाले 0-0 हो गए लेकिन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी देखिए 5 है, 5 या 5 से बड़ा नंबर 10th प्लेस पे अगर होगा तो ये दोनों 0 हो गए और 1 ऐड हो गया कैरी 10, 1000 के ज़्यादा पास है ये नंबर, ठीक है। तो अब याद रखना है आपको, अगर नियरेस्ट 10th दिया है तब आप 1s प्लेस को चेक करेंगे, नियरेस्ट 100 दे दिया तो हम 10th प्लेस को चेक कर रहे हैं, अब नियरेस्ट 1000 देगा तो हम 100 प्लेस को चेक करेंगे। देखते हैं इसको भी, पहले 100 वाले का कुछ एग्जांपल और देख लीजिए, 126, तो नियरेस्ट 100 है तो 10th प्लेस पर कौन सा डिजिट है 2, 5 से छोटा, तो जब 5 से छोटा है तो ये दोनों डिजिट 0 हो जाएंगे, यहाँ 1 उसी तरह आ जाएगा, तो 126 इज नियरर टू 100 देन 200, तो 126 जो है वो 100 के ज्यादा पास है, 200 से दूर है। इसी तरह 378 है तो 10th प्लेस पर, अब 100 है नियरेस्ट 100 तो 10th प्लेस चेक किए, 10th प्लेस पे क्या है 7, तो जब 7 है तो भाई 5 से बड़ा नंबर हो गया ना, तो बस ये दोनों जीरो हो जाएंगे देखिए, और 1 डिजिट आगे ऐड हो गया 3 की जगह 4। इसी तरह अब यहाँ 0 आ गया तो 0, 1, 2, 3, 4 में से कोई भी नंबर रहता है तो आगे वाले 100 पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये सब 0-0 हो जाएंगे और 7 उसी तरह आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 5461 है, तो कितना भी बड़ा नंबर रहे हमको ये देखना है किसके नियरेस्ट हमको राउंड ऑफ निकालना है, नियरेस्ट 100 है तो नियरेस्ट 100 है तो बस भाई, नियरेस्ट 100 है तो 10th प्लेस पे देखिए 6 है 5 से बड़ा, 1 इसमें ऐड हो जाएगा 5500। अब नियरेस्ट 1000 का एग्जांपल देख लेते हैं, अब देखिए नियरेस्ट 1000 है तो हमको कौन सा प्लेस देखना पड़ेगा 100 प्लेस, जैसे भी जो भी दिया है 1000 दिया है तो 100 प्लेस, 100 दिया है तो 10th प्लेस, और 10th दिया है तो 1s प्लेस पर डिजिट चेक हम करेंगे।
तो नियरेस्ट 1000 है, तो 100 प्लेस पर आप देखिए कि 0, 1, 2, 3, 4 में अगर कोई नंबर है तो सबका सब जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 0 है तो आगे सब जीरो हो जाएंगे और पहला नंबर उसी तरह उतर जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई नंबर है 100 प्लेस पे तो 1 कैरी यहाँ ऐड हो जाएगा, 4, और बाकी सब 0, 4000। ठीक है, तो यही चीज इस एग्जांपल में भी मैंने समझाया है कि नियरेस्ट टू 1000 है, राउंड अप टू नियरेस्ट 1000, तो 1000 है तो हम 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट है चेक करेंगे। देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया है, तो 100 प्लेस पे 1 है, 5 से छोटा, कोई चेंज नहीं होगा, सारे जीरो हो जाएंगे, केवल फर्स्ट डिजिट रह जाएगा 5000। फिर यहाँ पर देखिए 5 है, तो मैंने बताया था कि अगर 5, 6, 7, 8, 9 कोई होगा तो 1 डिजिट आगे ऐड हो जाएगा, 27000 देखिए हो गया। ये 3, 5 से छोटा है, कोई चेंज नहीं होगा, ये सब जीरो हो जाएंगे और आगे हो जाएगा 3। 7, 5 से बड़ा है, 1 ऐड हो जाएगा इसमें, 16, और बाकी सब जीरो। तो इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज आपको दी जा रही है, आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए, सॉल्व कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें, आई विल रिप्लाई। देखिए यहाँ नियरेस्ट 100 है तो हम कौन सा प्लेस देखेंगे, टेंस वाला प्लेस, टेंस वाले प्लेस को हम चेक करेंगे कौन सा डिजिट है। तो अभी मैंने बताया अगर 0, 1, 2, 3, 4 है तब तो कोई चेंज नहीं आएगा, सब पहला डिजिट छोड़ के बाकी सब जीरो हो जाएंगे। और यदि 5, 6, 7, 8 या 9 है टेंस प्लेस पे तब 1 डिजिट आगे ऐड हो जाएगा 100 वाले में। इसी तरह नियरेस्ट 1000 है तो 1000 है तो 100 वाले प्लेस को हम चेक करेंगे, ठीक है, और फिर याद रखेंगे कि 0, 1, 2, 3, 4 अगर है तो आगे वाले में कुछ ऐड नहीं होगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। और यदि 5, 6, 7, 8, 9 है 100 प्लेस पर, जैसे यहाँ पर देखिए है, तो 1 ऐड हो जाएगा इसमें, 4, और बाकी सब तीनों जीरो, 4000। ओके बेटा, देखिए इतना अगर जिसको आ गया कि 10 नियरेस्ट 10 है तो 1 प्लेस पर डिजिट चेक करेंगे, नियरेस्ट 100 है तो 10 प्लेस पर डिजिट चेक करेंगे, और नियरेस्ट 1000 है तो 100 प्लेस पर डिजिट चेक करेंगे और राउंडिंग ऑफ नंबर बता देंगे। तो जिन बच्चों को इतना आ गया तो फिर इसके आगे की राह आपकी बहुत आसान हो जाती है, उसके बाद कितना भी बड़ा राउंडिंग आपका नंबर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ना, आप इजीली वो काम कर सकते हैं। अगला है देखिए राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 10000 एंड 10 लाख। तो ठीक है भाई, नियरेस्ट टू 10000 है तो ठीक है, हम 1000 प्लेस को चेक कर लेंगे। देखिए अब नियरेस्ट 10000, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10000, तो हम 1000 प्लेस पर जो डिजिट है उनको चेक करेंगे। और नियम वही रहेगा कि अगर भाई 0, 1, 2, 3, 4 में से कोई डिजिट है तो बाकी सब जीरो हो जाएंगे, देखिए ये हो गया। और अगर बड़ा है 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई है तो 1 डिजिट आगे ऐड हो जाएगा, तो ये देखिए 5 हो गया और बाकी सब जीरो जीरो हो गए। इसी तरह यहाँ देखिए 0 है तो सब का सब जीरो हो जाएगा और यहाँ कुछ ऐड नहीं होगा, 8 आ गया। तो बहुत आसानी से अब आप कर सकते हैं, आपको याद यही रखना है कि यदि जैसे अब ये 10000 था तो 1000 प्लेस पर यदि 0, 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई डिजिट अगर है 1000 प्लेस पर तब तो कोई चेंज नहीं आएगा आगे वाले 10000 वाले नंबर में, कोई चेंज नहीं आएगा और बाकी सब 0000 हो जाएंगे। लेकिन यदि 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई डिजिट है 1000 प्लेस पर तब 1 डिजिट 10000 वाले में ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 6 है तो ये चारों तो जीरो हो गए देखिए, लेकिन 4 में 1 डिजिट ऐड हो गया, 5 हो गया। तो इसी तरह का एक एग्जांपल मैंने यहाँ देखिए बताया भी है कि नियरेस्ट 10000 है तो 1000 प्लेस पर देखिए यहाँ 4 है तब आगे कुछ ऐड नहीं होगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, 7 बाकी 4 जीरो। यहाँ पर 1000 प्लेस पर 9 है तो बड़ा है 5 से,
वन डिजिट आगे ऐड हो जाएगा, टू की जगह थ्री हो जाएगा, बाकी सब जीरो, 3,30,000। यहां पर देखिए 1000 प्लेस पर वन है तो मतलब कोई चेंज नहीं होगा 10,000 वाले में, बाकी सब जीरो, 8 लिख के 40 हमने कर दिया। 10,000 वाले में के बाद अब 10 मतलब लाख वाला नियरेस्ट लाख, राउंडिंग ऑफ द गिवन नंबर्स टू द नियरेस्ट लाख। अब लाख के जस्ट पहले क्या आता है 10,000, तो हम 10,000 पर की डिजिट देखेंगे और सारा प्रोसेस वही रहेगा जैसे अभी हम पीछे करते आ रहे हैं। अगर 10,000 प्लेस पर 0, 1, 2, 3, 4 में से कोई डिजिट है, जैसे यहाँ पे देखिए है, तो ये सारे के सारे डिजिट जीरो हो जाएंगे। देखिए यहाँ जीरो हो गए, 50, और आगे वाला डिजिट उसी तरह आगे रहेगा। लेकिन अगर 5, 6, 7, 8 या 9 है 10,000 प्लेस पर, तो बाकी सब तो जीरो हो जाएंगे, लेकिन वन डिजिट लाख वाले में ऐड हो जाएगा। ठीक, अब कितना भी बड़ा नंबर रहे आप आगे कर सकते हैं। 10,000 नियरेस्ट लाख है तो 10,000 वाले पे देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया है, मैंने सिर्फ चेक कर लिया कि भैया 10,000 वाले प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 5 से छोटा है या 5 है या 5 से बड़ा है। तो ये देखिए 5 से छोटा है, यानी कोई चेंज नहीं, 2 लिख के इतने जीरो, इन सारे डिजिट की जगह हम क्या लगा देंगे, जीरो। 9 5 से बड़ा है तो 1 डिजिट यहाँ ऐड कर दिए, 7 की जगह 8 कर दिए और बाकी सब की जगह जीरो। देख रहे यहाँ पे देखिए 10,000 प्लेस पर 1 है 5 से छोटा, तो इसकी जगह सबको जीरो जीरो कर दिए और आगे वाले नंबर्स को उसी तरह रख दिए, 6,63,00। तो ये इस पर एक्सरसाइज है, आपको ये करना है। देखिए राउंड ऑफ नियरेस्ट 10,000 और राउंड ऑफ नियरेस्ट लाख, तो आप इसको आसानी से करिए। नियरेस्ट 10,000 है तो आप 1000 वाले प्लेस पर चेक कर लीजिए कौन सी डिजिट है, ठीक, उसके अनुसार काम कीजिए। और यदि नियरेस्ट लाख है तो आप 10,000 वाले प्लेस पर डिजिट चेक कीजिए। और जैसा कि मैंने अभी समझाया कि देख लेते हैं हम उस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, अगर 0 से 4 तक है तो कोई चेंज नहीं होगा आगे वाले नंबर में, और यदि 5 से 9 तक है तब 1 डिजिट आगे ऐड हो जाता है। मेरे बच्चों आगे और भी बड़े नंबर्स आएंगे, लेकिन मैं बता दूं प्रोसेस वही है। 10 लाख है तो लाख वाले प्लेस पर हम डिजिट चेक कर लेंगे, और डिजिट चेक करने के बाद हम देख लेंगे कि वो 0 से लेके 4 तक है लाख पर कि 5 से 9 तक। अगर 0 से 4 है तो कोई चेंज नहीं, आगे कुछ नहीं जुड़ेगा, और यदि 5 से 9 जैसे इन तीनों क्वेश्चन में देखिए 5 या उससे बड़े नंबर्स हैं तो सब में आगे वाले में एक एक डिजिट ऐड कर दिया गया। देखिए यहाँ 6 का 7 हो गया, 8 का 9 हो गया और 9 का 10 हो गया। लेकिन अगर 0 से 4 तक है तब कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह 10 लाख के एग्जाम्पल वही है, देखिए 10 लाख है तो लाख वालों को अंडरलाइन मैंने किया है और चेक करके राउंड अप लिख दिया है। 10 करोड़ पे भी देख लीजिए, 10 करोड़ पे क्या देखेंगे हम, 10 लाख वाला उसके जस्ट पहले वाला डिजिट, तो वही सब नियम है, 0, 1, 2, 3, 4 में से अगर कोई डिजिट है तो कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 है तो सारे नंबर 0 हो गए और आगे वाला नंबर 9 चुपचाप उसी तरह लिख दिया गया। लेकिन अगर 5, 6, 7, 8, 9 है उनमें से कोई डिजिट। जैसे यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो ये सब 5 या उससे बड़े नंबर हैं, तो अब ये सब तो 0 हो जाएंगे। देखिए सारे के सारे 0 हो गए, लेकिन आगे 2 की जगह 3 हो गया, यहाँ पे देखिए 1 की जगह 2 हो गया, 9 की जगह 10 हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा एक्सरसाइज इन पर बेस्ड है, नियरेस्ट 10 लाख और नियरेस्ट करूँ, तो नियरेस्ट 10 लाख रहेगा तो हम लाख वाले डिजिट को चेक करेंगे, और नियरेस्ट करोड़ है तो 10 लाख वाले डिजिट को हम चेक करेंगे, और उस डिजिट को देखकर हम राउंड ऑफ नंबर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। बच्चों इतना कुछ समझाने के बाद भी अगर परेशानी हो रही है
यू शुड कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। आगे देख लेते हैं डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी। सब काम वही करना है। देखिए राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट वंस, अब नियरेस्ट वंस के अब राउंड ऑफ कर रहा है। तो भाई अब ध्यान दीजिए बच्चों, नियरेस्ट टेंस था पहला जो हम लोग पढ़े अभी, नियरेस्ट टेंस जब हम पढ़ रहे थे राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस, तब हम वंस वाले प्लेस पर डिजिट को देखते थे। लेकिन अब कह रहा है नियरेस्ट वंस, देखिए तो मतलब जो भी डिजिट वो कहता था उसके पहले वाली डिजिट हम चेक करते थे। नियरेस्ट टेंस कहा तो वंस देखते थे, नियरेस्ट हंड्रेड कहा तो टेंस देखते थे, नियरेस्ट थाउजेंड कह रहा था तो हम हंड्रेड प्लेस देख रहे थे। लेकिन जब नियरेस्ट वंस कहा तो वंस के पहले क्या रहेगा, वंस के पहले ये ना रहता है पॉइंट वाला डेसिमल वाला टेंथ डिजिट, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, ये ना रहता है। तो नियरेस्ट वंस कहा तो हमको टेंथ प्लेस देखना पड़ेगा। देखिए ये भी लिखा है, इन ऑर्डर टू राउंड ऑफ डेसिमल नंबर्स टू द नियरेस्ट वंस लुक एट द डिजिट इन द टेंथ प्लेस। अब टेंथ प्लेस पर कौन सा डिजिट है हमको वो देखना पड़ेगा जब नियरेस्ट वंस की बात करेगा। तो देखिए यहाँ एग्जांपल भी मैंने दिया है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट वंस 3.6। अब वंस के नियरेस्ट देखना है तो भैया वंस तो ये खुद ही है, अब उससे पहले कौन सा डिजिट है टेंथ, तो टेंथ वाले डिजिट को हमने अंडरलाइन किया है। देखिए ठीक, टेंथ वाले डिजिट को अंडरलाइन करेंगे तो अब यहाँ भी फिर वही देखेंगे, अगर 0, 1, 2, 3, 4 में से कोई नंबर है तब तो कोई चेंज नहीं करेंगे, चुपचाप वही नंबर लिख देंगे और उस नंबर की जगह टेंथ वाले की जगह 0। जैसे कि इस दूसरे क्वेश्चन में देखिए, टेंथ प्लेस पर 2 है यानी 5 से छोटा, तो ये दोनों डिजिट हो गए 0, 0 और ये उसी तरह आ गया 7.00, यानी ये नंबर 7 के ज़्यादा पास है। लेकिन जब यहाँ बात करेंगे 6 तो ये देखिए 5 से बड़ा है, तो जब 5 से बड़ा है तो वन डिजिट यहाँ ऐड हो जाएगा 4 और ये 0 हो जाएगा 4.0, यानी 3.6 4.0 के ज़्यादा पास है। देखिए 3.6 इज नियरेस्ट टू 4, नियरर यहाँ नियरेस्ट नहीं रहेगा सॉरी, यहाँ नियरर होना चाहिए ठीक है, देयर इज ए मिस्टेक, यहाँ दैन लगा है बेटा इसलिए नियरर होना चाहिए, मिस्टेकली ये नियरेस्ट है यहाँ लिख दिया गया। तो 3.6 इज नियरर टू द 4.0 देन 3.0, यानी 3.6 4.0 के ज़्यादा पास है, 3.0 से दूर है। यहाँ पर देखिए 7 है टेंथ प्लेस पे, तो अब ये 5 से बड़ा है तो वन डिजिट ऐड हो जाएगा वंस में 26 और उसकी जगह पे 0 26.0। देखिए इसका एक्सरसाइज भी है आपको दिया गया, यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल देकर समझाया गया है। टेंथ भाई नियरेस्ट वंस पूछेगा तो हम टेंथ प्लेस देखेंगे, और टेंथ प्लेस पर अगर 0, 1, 2, 3, 4 में से कोई नंबर है तो हम आगे वाले नंबर कोई चेंज नहीं करेंगे और उसकी जगह 0 कर देंगे। देखिए 1.0 18.0 क्योंकि ये 5 से छोटे हैं दोनों, और यदि 5, 6, 7, 8, 9 में से कुछ है टेंथ प्लेस पे तो वन डिजिट देखिए आगे ऐड कर दिया गया, इसकी जगह 0 कर दिए और 7 की जगह 8 ऐड कर दिए, 6 की जगह 0 और 9 में 1 ऐड कर दिए 10। सही है, ये एक्सरसाइज आपके लिए है, यू शुड ट्राई टू सॉल्व इट। टेंथ प्लेस पर देख लेंगे आप कौन सा डिजिट है, उसके अकॉर्डिंग आप वंस में चेंज करेंगे, नहीं तो जरूरत होगी तो चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, आप सॉल्व कीजिए इन प्रॉब्लम्स को। अब देखिए नियरेस्ट टू हंड्रेड है, तो अब हंड्रेड के जस्ट पहले कौन होता है थाउजेंड्स, ठीक, अरे सॉरी यहाँ पे नियरेस्ट टू टेंथ एंड नियरेस्ट टू हंड्रेड प्लेस कह रहा, तो नियरेस्ट टू टेंथ जब कहेगा तो उसके जस्ट बाद कौन सा नंबर होता है हंड्रेड, तो अब
हंड्रेड को हम देखेंगे, टेंथ के जस्ट पहले हंड्रेड। तो अब हंड्रेड प्लेस पर हम चेक करेंगे कि भाई जीरो वन टू थ्री फोर में से अगर कोई नंबर है, जैसे यहाँ देखिए थ्री फाइव से छोटा है, तो क्या होगा, ये नंबर जीरो हो जाएगा और ये नंबर उसी तरह नीचे आ जाएंगे जैसे थे 5.2 और इसकी जगह जीरो। और यदि फाइव सिक्स सेवन एट नाइन में से कोई जैसे एट है यहाँ, तो अब क्या होगा, वन डिजिट आगे ऐड हो जाएगा टेंथ में, तो 9.8, देखिए यहाँ 9.8 हो गया और इसकी जगह जीरो। तो जैसे टेंथ प्लेस है तो उसके जस्ट पहले हंड्रेड प्लेस हम चेक करेंगे। मैंने जो एग्जांपल बताया उसमें भी यही चीज़ बताया है कि चूंकि टेंथ प्लेस की बात कर रहा है, नियरेस्ट टेंथ, तो हम हंड्रेड प्लेस पर देखिए यहाँ सिक्स है, फाइव से बड़ा, तो वन ऐड हो जाएगा टेंथ में और यहाँ जीरो हो जाएगा 3.20। ठीक, देखिए 3.16 इज नियरर, मोर नियरर देन 3.20, मोर नियरर टू 3.20 देन 3.10। इसी तरह यहाँ देखिए 100 प्लेस पर 1 है, 5 से छोटा, तो अब आगे कुछ नहीं ऐड होगा, इसकी जगह 0 हो जाएगा, बाकी नंबर वैसे रहेंगे 7.20। यहाँ पर 100 प्लेस पर 4 है, देखिए 5 से छोटा, इसकी जगह 0 कर देंगे, बाकी नंबर वैसे ही उतार देंगे 25.30। और नियरेस्ट टू 100th जब है, नियरेस्ट टू 1000 100th, तब 1000th प्लेस को हम चेक करेंगे। देखिए पॉइंट के जस्ट बाद टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड्स होते हैं, तो नियरेस्ट हंड्रेड्स है, तो नियरेस्ट हंड्रेड्स है, तो भाई हंड्रेड्स से जस्ट पहले क्या आएगा, थाउजेंड्स, तो हम थाउजेंड्स वाले डिजिट को देखेंगे कि जीरो वन टू थ्री फोर में से अगर कोई डिजिट है, तब उसकी जगह जीरो कर देंगे, बाकी सब उसी तरह रहेगा। और यदि फाइव सिक्स सेवन एट नाइन में से कोई डिजिट है जैसे ये, तो आगे वन डिजिट ऐड कर देंगे, ठीक, और बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो इस तरह से बच्चों राउंड ऑफ किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको देखिए ये दे दी गई है, उम्मीद है अब आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे यहाँ नियरेस्ट टेंथ्स है, तो हम हंड्रेड्स वाले प्लेस पर के डिजिट्स को चेक करेंगे कि वह जीरो वन टू थ्री फोर में से है कोई एक, या फिर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन में से है कोई एक। तरीका बताया है हमने, आप उसी की तरह कीजिए। नियरेस्ट हंड्रेड है, तो हंड्रेड में थे थाउजेंड्स प्लेस को चेक करेंगे डिजिट्स को। अगर जीरो वन टू थ्री फोर में से कोई है, तब तो कोई चेंज नहीं आएगा, केवल उस डिजिट की जगह जीरो हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये सब उसी तरह रहेगा, इसकी जगह जीरो। लेकिन यदि फाइव सिक्स सेवन एट नाइन में से कोई डिजिट रहता है थाउजेंड प्लेस पर, तो वन डिजिट हंड्रेड प्लेस में ऐड हो जाएगी और उसकी जगह जीरो, तो 3.990 इसका आंसर हो जाएगा ना। तो इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको नए वीडियोज मेरे आसानी से मिलती रहें। थैंक यू।